Hello everyone, welcome to Insights IS. Today's our first topic is zero budget natural farming. Recently, Andhra Pradesh government ने German firm के साथ में एक MOU sign किया है इस zero budget natural farming के regarding. इसका purpose क्या है? State के अंदर जो natural farming को promote करना. Zero budget natural farming basically एक आपका fertilizer free, chemical free एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसके अंदर जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से फार्मर्स की कॉस्ट ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती थी, उसकी जगह पे यूज़ किया जाएगा बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाएगा. तो इसका कंसेप्ट क्या है, पर्पज़ क्या है, फार्मर्स को अभी फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स जो केमिकल वाले हैं उनको परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और जो आपके सॉइल है उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करेगा ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग. इसके अंदर किसका यूज़ किया जाएगा, जो चीज़ें फार्मर्स के पास में ऑलरेडी अवेलेबल है उसको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे अर्थवॉर्म्स, काउडंग, यूरिन, प्लांट्स, ह्यूमन एक्सक्रेटा एंड बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, इनका यूज़ किया जाएगा. जिससे क्या होगा, फार्मर्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो जाएगा और आइडियली बोले कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. और इसके साथ में ये सॉइल को डिग्रेड होने से भी बचाएगा. इसका बेनिफिट तो अभी मैंने आपको बता दिया, फार्मर की कॉस्ट को रिड्यूस करेगा और जो काउ डंग है वो आपका जो सॉइल की फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को इंक्रीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस काउ डंग का. उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं कि उस सॉइल के अंदर जो ड्राइड बायोमास होता है उसको डिकम्पोज करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं रेडी टू यूज़ न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में. मीन्स काउ डंग वेरी हेल्पफुल होता है सॉइल की आपकी फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट वैल्यू को इंक्रीज़ करने में. इसकी वजह से जो आपका वाटर की रिक्वायरमेंट है और जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी. ओनली 10% वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी एज़ कम्पेयर टू जब आप केमिकल फर्टिलाइजर्स से जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर करते हैं उसके रेस्पेक्ट में. इसका और क्या पर्पस होगा, मे इम्प्रूव द पोटेंशियल ऑफ क्रॉप्स टू अडाप्ट टू एंड टू बी प्रोड्यूस फॉर इवॉल्विंग क्लाइमेटिक कंडीशंस. फोर व्हील्स है इसके, वो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीवामृत, बीजामृत, मल्चिंग एंड वाफसा. अब जैसा नाम क्या है, जीवामृत, जीवामृत मीन्स जीव मीन्स लाइफ से रिलेटेड है. इसके अंदर एक मिक्सचर को फर्मेंटेड किया जाएगा, मिक्सचर में क्या क्या होगा, काउ डंग, यूरिन जो कि देसी गाय की जो ब्रीड है उसका, जैगरी, पल्सेस फ्लोर, वाटर एंड सॉइल फ्रॉम द फार्म बर्न. और इसको करने के साथ में क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे, जो नाम में कैसा है, जीवामृत, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या बेनिफिट है मैंने आपको अभी बता दिया. ये क्या करेगा, कन्वर्ट ऑल द नेसेसरी नॉन अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स इनटू अवेलेबल फॉर्म. दूसरा कंसेप्ट है बीजामृत. बीज का मतलब होता है, हिंदी वर्ड है जिसका मतलब होता है सीड. तो इसके अंदर क्या होगा, सीड ट्रीटमेंट सॉल्यूशन प्रायर टू सोइंग, मीन्स आपका जो बीज है उसको बोने से पहले उस बीज का जो ट्रीटमेंट किया जाएगा उसके लिए जो सॉल्यूशन बनाया जाएगा वो इस सॉल्यूशन के अंदर ये सारी चीज़ें होगी. तो नाम याद रखना है बीजामृत. थर्ड क्या है, मल्चिंग. मल्चिंग के अंदर क्या होगा कि जो प्लांट्स को कवर किया जाएगा ड्राइड स्ट्रॉ या लीव से, उससे क्या होगा कि जो आपकी ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन रहेगी और जो आपका सॉइल का मॉइस्चर है वो आपका कंजर्व रहेगा और जो टेम्परेचर होगा वो अराउंड 25 to 32 degrees रहेगा, जिस कंडीशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपना काम प्रॉपरली कर सके. तो थर्ड स्टेप है मल्चिंग. और फोर्थ स्टेप है वाफसा. इसके अंदर क्या है कि जो वाटर प्रोवाइड करना, वाफसा W से स्टार्ट है तो वाटर प्रोवाइड करना, इस तरह से आप याद रख सकते हैं. टू मेंटेन द रिक्वायर्ड मॉइस्चर एयर बैलेंस ऑल्सो अचीव्स द सेम ऑब्जेक्टिव. तो ये फोर व्हील्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीवामृत, बीजामृत, मल्चिंग एंड वाफसा. और इससे रिलेटेड एक पर्सन का नाम आता है सुभाष पालेकर, जिनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है. गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स स्टार्ट की है इस डायरेक्शन में वो है परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसका पर्पस क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना. और इसकी जो परंपरागत कृषि विकास योजना की जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस है उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग के मॉडल्स है, जैसे कि नेचुरल फार्मिंग, ऋषि फार्मिंग, वैदिक फार्मिंग, काउ फार्मिंग, होमा फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एट्सेट्रा. और दूसरा जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है वो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. लेट्स मूव टू सेकंड टॉपिक, दैट इज I4C. ये बेसिकली क्या है, ये एक हर टाइप के जो साइबर क्राइम्स है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली एंड कोऑर्डिनेटेड मैटर में डील करेगा. ये कंसेप्ट इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली उसका इनॉग्रेशन किया गया. तो I4C क्या है,
इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, और इसके साथ में भी इसके साथ ही स्टार्ट किया है, लॉन्च किया गया है नेशनल सेंटर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। इसके अंदर I4C के अंदर 7 कंपोनेंट्स है, और इसका जो लोकेशन कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। और जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इसके अंदर क्या होगा कि जो सिटीजन है वो आपका ऑनलाइन जो ऑनलाइन ही जो साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ क्राइम हुआ है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको याद रखना I4C। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। इसका पर्पस क्या है, नाम में जैसे इसको पता चल जाएगा कि एनर्जी एफिशिएंसी कि जो आपके स्टेट्स हैं उन्होंने एनर्जी एफिशिएंसी की डायरेक्शन में क्या प्रोग्रेस की है उसको मेजर कर किया जाएगा इसके अंदर, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स के अंदर। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके अंदर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एंड आउटकम बेस्ड इंडिकेटर है इसको एक्सेस करने के लिए कि जो एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव प्रोग्राम्स एंड आउटकम्स इन 5 डिस्टिंक्ट एरियाज सेक्टर। जो आप इस सेक्टर के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेम बिल्डिंग इंडस्ट्री म्यूनसिपालिटीज़ ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर एंड डिस्कॉम्स। इसके अलावा जो बात करें तो 2018 के अंदर फर्स्ट स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी प्रिपेयरनेस इंडेक्स को लॉन्च किया गया था। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, इन एसोसिएशन विद अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। 2019 का जो इंडेक्स है उसके अंदर कुछ नए इंडिकेटर्स भी ऐड हुए, जैसे कि अडॉप्शन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2070, एनर्जी एफिशिएंसी इन MSME क्लस्टर्स एटसेट्रा। इसके अंदर जो डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, जो स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज है उनके द्वारा डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिस्कॉम्स। अब कंपेरिजन की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि जो कंपैरिजन किया जाएगा बेस्ड ऑन टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई, कितनी टोटल एनर्जी सप्लाई की जा रही है उसके बेस्ड पे आपको ग्रुप को फर्दर कैटेगराइज किया जाएगा 4 कैटेगरीज में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रंट रनर अचीवर कंटेंडर एंड एस्पिरेंट बेस्ड ऑन देयर एफर्ट्स एंड अचीवमेंट टूवर्ड्स एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्लीमेंटेशन। ये 4 कैटेगरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की तो ये स्टेट्यूटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, और इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग द एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इसके अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके अंदर क्या होगा, पॉलिसी एंड रेगुलेशन फाइनेंसिंग मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी अडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स एनर्जी सेविंग्स, ये सारे पैरामीटर्स की स्टडी की जाएगी। किन सेक्टर में, बिल्डिंग सेक्टर में, इंडस्ट्री में, म्यूनसिपैलिटीज़ ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर एंड डिस्कॉम्स, और इसके अंदर ये 5 सेक्टर है, इसमें स्टडी की जाएगी इस डायरेक्शन में। और उसके अकॉर्डिंग किस टाइप की स्टडी की जाएगी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एंड आउटकम बेस्ड। तो आपको ये जो 5 सेक्टर है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक, चाइनीज पैडल फिश। रिसेंटली क्या है कि चाइना के जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस चाइनीज पैडल फिश को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया है, चाइनीज साइंटिस्ट ने। लेकिन IUCN के अकॉर्डिंग अभी इसका स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। जो चाइना के साइंटिस्ट है उन्होंने डिक्लेयर किया है एक्सटिंक्ट। इसको स्पॉट किया गया था लास्ट 2003 के अंदर, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश है, और इसका हैबिटेट फ्रेश वाटर एंड एश्यूरीज है, वहाँ पर ये मिलती है। ये एंडेमिक है यांगसे रिवर के, इसका इस यांगसे रिवर का जो माउथ है वो ब्रैकिश वाटर है, फिर भी वहाँ भी अवेलेबल है, तो आपको एग्जाम में यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं। इट वाज एंडेमिक टू द यांगसे रिवर इन चाइना, इट वाज फाउंड इन चाइना ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यांगसे रिवर की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया के अंदर एंड थर्ड लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड के अंदर एंड लॉन्गेस्ट रिवर टू फ्लो एंटायरली इन वन कंट्री के अंदर फ्लो होने वाली ये लॉन्गेस्ट रिवर है। इसके राइज कहाँ से होता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द तिब्बतियन प्लेट्यू एंड फ्लोज इन ए जनरली ईस्टर्ली डायरेक्शन टू द ईस्ट चाइना सी। उसके ओवर फिशिंग हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड डैम बिल्डिंग ये बेसिक कुछ रीजन है इसके एक्सटिंक्ट होने के। और ये जो पैडल फिश है, इट इज़ ऑफ ओनली 2 पैडल फिश स्पीसीज इन एग्जिस्टेंस, एक तो हो गया चाइनीज पैडल फिश और दूसरा है अमेरिकन पैडल फिश। तो अमेरिकन पैडल फिश का IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल, लेकिन चाइनीज वाले का क्या है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और अमेरिकन पैडल फिश कहाँ पे मिलती है, मिसिसिपी रिवर बेसिन इन द यूनाइटेड स्टेट्स।
एक एक्सटेंड करने का क्या क्राइटेरिया है, IUCN के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज होती है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड आपका, फिर एक्सटेंड इन द वाइल्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में क्या होगा कि फेसेस अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंड, एक्सटेंड होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। एक्सटेंड इन वाइल्ड मीन्स वाइल्ड में अवेलेबल नहीं है, ये सर्वाइव करता है ओनली कैप्टिव एनवायरनमेंट में। लोकली एक्सटेंड इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया में है लेकिन दूसरे एरिया में हो सकता है नहीं, अवेलेबल नहीं हो। फंक्शनली एक्सटेंट इसका मतलब क्या है कि उनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। ग्लोबली एक्सटेंट का मतलब वो कहीं भी सर्वाइव नहीं कर रहा है। वंस डिक्लेयर एक्सटेंट अ स्पीसीज इज नॉट अवेलेबल टू प्रोटेक्टिव मेजर्स एंड कंजर्वेशन फंडिंग, उसको फंडिंग नहीं मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक वर्ल्ड हिंदी डे। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। किसको? इसको हिंदी को प्रमोट करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेसिकली जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है उसकी जो एनिवर्सरी हो रही थी 2006 के अंदर, तब फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हिंदी डे को सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड हिंदी डे इज़ सेलिब्रेटेड बाय द इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन वर्ल्ड हिंदी डे इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिंदी दिवस, ये आपको एग्जाम में कन्फ्यूज़ कर सकता है। वर्ल्ड हिंदी डे तो कब है? 10th जनवरी को, लेकिन हिंदी दिवस कब है? 14 सितंबर को। अब अगर हिंदी की बात करते हैं तो इसका जो नाम मिला है इसको पर्शियन वर्ड है, हिंद से इसका ओरिजिन है। इसका मतलब होता है लैंड ऑफ द इंडस रिवर। टर्क जो इन्वेडर थे इन द 1811 सेंचुरी नेम द लैंग्वेज ऑफ द रीजन हिंदी, लैंग्वेज ऑफ द लैंड ऑफ द इंडस रिवर। इट इज़ ये इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है और इसके अलावा इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज जैसे कि मॉरिशस, फिजी, सूरीनेम, गुयाना, टोबागो, नेपाल, यहाँ भी बोली जाती है ये हिंदी। इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इमर्ज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है जिससे ये इवॉल्व हुई है, ड्यूरिंग विच इट वॉज नोन बाय अदर नेम्स। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ओल्ड हिंदी वॉज अपभ्रंशा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले इसका नाम अपभ्रंशा भी था। 400 AD के अंदर कालिदास ने एक रोमांटिक प्ले को लिखा था जिसका नाम था अपभ्रंशा, के अंदर लिखा था, उसका नाम है विक्रमोर्वशीयम, याद रखना नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मॉडर्न जो हिंदी की बात कर रहे हैं वो कौन सी स्क्रिप्ट में? देवनागरी स्क्रिप्ट में। और ये किस टाइम पे किस टाइम पे इसका ओरिजिन हुआ? 11th सेंचुरी के अंदर, जो मॉडर्न हिंदी की बात करिए। पहले वाले थे अपभ्रंशा, वो उसका टाइम पीरियड क्या था? 400 AD। ये सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इंडियन स्कीमर। रिसेंटली अभी क्या हो रहा है कि एनुअल बर्ड सेंसर्स है वो चल रहा है, कहाँ पे? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपका सराउंडिंग वेटलैंड्स इन द गोदावरी मैंग्रोव्स। गोदावरी मैंग्रोव्स फेमस है इंडियन स्कीमर के लिए। इंडियन स्कीमर बेसिकली यहाँ पे एक आपका वाटर बर्ड स्पीसीज है जिसका IUCN स्टेटस कैसा है? वल्नरेबल है। इस सेंसस का एम क्या है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ माइग्रेटरी एंड रेजिडेंट बर्ड को डॉक्यूमेंट करना है। In India, the species can be sighted near the Chambal River in central India, in few parts of Odisha and in Andhra Pradesh. यहाँ पे ये Indian skimmer मिल सकता है। Let's move to previous year's question. Consider the following statement. In India, the Himalayas are spread over 5 states only. Question पूछा गया 2017 के अंदर, तो नहीं, Himalayas 5 states से ज़्यादा है। जैसा कि आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मतलब 5 से तो ज़्यादा है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट रॉन्ग होते ही फर्स्ट गया और डी गया। सेकंड है वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। वेस्टर्न घाट है 6 स्टेट, आपका कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, फिर गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। गुजरात भी वेस्टर्न घाट का पार्ट है कुछ रीजन जो है। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या आ गया? थर्ड, पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स। यस, वो पुलिकट लेक है वो तो आपका आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु 2 स्टेट से में स्प्रेड है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फॉर सॉरी सेकंड क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय लॉ। बेसिकली जो घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड एस एंड वाइल्ड बफेलो, ये तीनों जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर मेंशन है और शेड्यूल 1 के अंदर हाईएस्ट प्रोटेक्शन है। तो कौन कौन से हो जाएगा? किसी को हंटिंग नहीं की जा सकती, तीनों की हंटिंग नहीं की जा सकती। तो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। लेट्स मूव टू सी सेट क्वेश्चन। एन 8-digit नंबर लीव्स रिमाइंडर 0
व्हेन डिवाइडेड बाय 3 हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस नंबर को जो आपको 3 से डिवाइड कर रिमाइंडर आना चाहिए 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है, पूरा का पूरा नंबर डिवाइड होना चाहिए 3 से। और छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि 3 से डिवाइड होने का रूल क्या था, जो नंबर्स है उनके डिजिट को आप ऐड करते हो और ऐड करने के बाद में अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो आप इस पूरे को ऐड करेंगे ना तो यहाँ तक ये यह आएगा 30 और 30, और ये बी का भी पता नहीं है बी का नंबर क्या होना चाहिए। तो बी की वैल्यू अब 0 होगी तो 30 प्लस 0 30 हो जाएगा। बी की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 6 हो सकती है और 9 हो सकती है। तब ये तीनों 30 प्लस 0 30 33 36 39 वो सारे नंबर क्या है, 3 से डिवाइड है। तो बी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 4 वैल्यू। सो ऑप्शन विल बी सी। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।